डाउन हमारे पास था नेक्स्ट टीम डाइस स्ट्राइक और मीगो स्ट्राइक का तो उनके पास जीत थी नमोनो उन्होंने स्ट्राइक बायो मालिक जैसे कार्बोरेट स्टार्ट किए थे कार्बोरेट ने बस हमारे पास लाइक थी बोनस स्ट्राइक तो उनके पास नेक्स्ट आज डाइस स्ट्राइक एंड मीगो स्ट्राइक तो डाइस सीक्रेट हम कहते हैं कि वो है जिनमें दो मालिक आपस में दो मोनो सीक्रेट आपस में मिल के हम मोन बनाते हैं जिसको हम डाइस सीक्रेट का नाम है। अब यहाँ पे आपके पास जैसे इसके लिए और अमीगो सीक्रेट हम कहते हैं कि दो से ज़्यादा हों लेकिन आठ नौ दस तक हों उसको हम अमीगो सीक्रेट कहते हैं। अब जैसे यहाँ इसने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिए अल्फा फ्रोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में खेल रहे हैं और उनके फ्रोज बना रहे हैं फ्रोज जो आपके पास है डाइस स्ट्राइड है जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड मिलता है एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे वाला फ्रक्टोज जो दो आपस में मौजूद हैं दोनों कम्बिनेशन प्रोज बना हुआ था इस ग्रेड का। अच्छा पहले तो इसमें एमसीक्यूज हम देख लेते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्मड व्हेन 9 मोनोसैकेराइड्स यू नो कंबाइन बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एमसीक्यू हो गया कि ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें दो हों और ऑलिगोसैकेराइड्स में तीन चार पाँच और वो नौ तक चले दो से लेके नौ तक अगर मोनोसैकेराइड की यूनिट्स हों तो फिर वो आपस में जुड़ के पानी के मॉलिक्यूल में से यूनिट में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वापस में अटैच हो जाते हैं। जैसे हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था एक तरफ से एच निकल गया एक तरफ से ओएच निकल गया और वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई तो इस तरह यहाँ पर भी यही है कि जो वो दो से नौ तक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं वाटर का मालिक्यूल इनमें से निकल जाता है। एमसीक्यू में याद रखना है दो से नौ तक मोनोसैकेराइड है दूसरा वाटर का मालिक्यूल इनमें से रिमूव होता है। तीसरा दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज अब वो जो नई लिंकेज बनती है उसको ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज बोलते हैं। ये जो दो इसके दरमियान बनी हुई दो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो नई लिंकेज ग्लाइकोसाइटिक ग्लाइकोसाइटिक की स्पेशल नेम उनका कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से और केमिकली वैसे भी जो लिंकेज है इसको हम नाम देते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो उसको हम ईथर बोलते हैं ये ईथर लिंकेज बेसिकली कहलाती है केमिकल केमिस्ट्री के साथ लेकिन जनरली हम उसको ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ईथर लिंकेज एक्सप्लेन करें ठीक हो या ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज क्या होती है एक्सप्लेन करें ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा एग्जांपल में सुक्रोज विच इज अ कॉमन टेबल शुगर के एमसीक्यू में याद रखना है कि सुक्रोज का दूसरा नाम टेबल शुगर है और ये डाइसैकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप मिलते हैं तो याद रखना ये अल्फा डी ग्लूकोज है छोनों वाला रहेगा आपको इसका आखिरी जो कार्बन है राइट साइड में ऊपर हाइड्रोजन है नीचे को OH है फ्रक्टोज जो है उसकी लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कार्बन आपको नजर आ रही है उसके ऊपर सी एच टू OH है और नीचे OH है। अब ये OH और उधर से H मिल के वाटर बन के निकल जाता है ये जरूरी नहीं है OH इसका भी हो सकता है ग्लूकोज की तरफ से OH और फ्रक्टोज की तरफ से हाइड्रोजन ये भी हो सकता है तो वाटर निकल जाता है और दरमियान में ये जो ऑक्सीजन बच जाती है ये इन्हीं दो कार्बन के दरमियान में लिंकेज बना देती है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ये जो कंपाउंड बना उसका नाम सुक्रोज है और ये इनके मिलने से वाटर बना ये प्लस वाटर में भी साथ में कवर वाटर की रिमूवल हुई है और फिर जाके वो हमारे पास जो है एक नई
उसके बाद हमारे पास आता है जी ये एमसीक्यू के हवाले से आपने याद रखना है, एग्जांपल भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका ये याद रखना है कि सुक्रोज का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर आता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पीछे याद किया था, फ्रक्टोज का भी किया था, बस वही दो ड्रा कर देंगे दरमियान में फिर ऑक्सीजन बना देंगे बस। अच्छा जी, कन्वर्सली हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड बाय वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड आर बाय एंजाइम यील्ड टू आर मोर रेडिकल्स। ये ऊपर था कम्बिनेशन, तो उससे नौ तक आपस में जुड़े, तो जुड़ के वो आपस में ईथर लिखी ग्लाइकोसाइडिक लिखी या ईथर लिखी बनाते हैं और हमारी बनते हैं। और दूसरा ये इसका रिवर्स भी होता है कि जब हमारी बॉडी में जब खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना है, आगे हजम होना है, तो पहला काम ही होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटा बनाया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो सके, उसके अंदर जा सके। जो सुक्रोज है उसको तो पहले ब्रेक डाउन किया, तो उस ब्रेकिंग में उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये जो ईथर की लिंकेज है यही यहाँ से तोड़ी जाती है, दोबारा अपने जो इसके मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये काम कौन करते हैं बॉडी में, एंजाइम्स करते हैं। तो कन्वर्सली हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड बाय वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो प्रेजेंस ऑफ एसिड बोल रहे हैं ना, ये तो हम जब अगर उसको प्रैक्टिकल वगैरह जैसे करना हो सुक्रोज में चेक करना हो तो हम खुद से फिर एसिड या बेस लेके उसको परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको तो एसिड बेस नहीं चाहिए, उसके पास तो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स इजीली अपना वर्क कर लेते हैं, तो वो इन तोड़ के फिर दोबारा इसके ओलिगोसैकेराइड उसमें बदल देते हैं। याद रखना है जो हाइड्रोलिसिस है ओलिगोसैकेराइड्स की वो एसिड की वृद्धि में या बेस की वृद्धि में भी होती है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं होता सिर्फ एसिड लिखा और एंजाइम एसिड हो गया, बेस हो गया, एंजाइम हो गया, इनकी वजूदगी में हो सकती है। और ये दो या दो से ज्यादा जो मोनोसैकेराइड यूनिट उसमें हमारे पास जितने होंगे वही आ जाएंगे। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है अमंग द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड आर सुक्रोज, आ गया ये सुक्रोज जिसका हमने लिखा हुआ है कि अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों के मिलने से ये सुक्रोज बना था। फिर है लैक्टोज, तो लैक्टोज है ना इसमें जो दो आपके मौजूद हैं ना जो जुड़ते हैं वो एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। जो लैक्टोज है ना इसके अंदर जो दो मोनो दो ये भी डाइसैकेराइड है ना, तो इसके अंदर जो दो मोनोसैकेराइड मौजूद हैं एक ग्लूकोज है और दूसरा गैलेक्टोज, और जो तीसरा माल्टोज है इसके अंदर जो आपके पास मोनोमर मौजूद हैं तो एक ग्लूकोज है और दूसरा एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरा भी अल्फा ही ग्लूकोज, यानी अल्फा ग्लूकोज ही आपस में जुड़ के दो अल्फा ग्लूकोज अगर जुड़े तो वो माल्टोज बनाते हैं। और इस केस में जो लैक्टोज इस केस में अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है, और वो जब गैलेक्टोज के साथ मिलते हैं तो वो लैक्टोज बना देते हैं। तो सुक्रोज का हमने ऊपर देख लिया अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ है। सुक्रोज का एमसीक्यू आपको वैसे ही याद हो क्योंकि दिया हुआ है, लैक्टोज और माल्टोज दिए नहीं हुए, बस वैसे उसने लिख दिया। तो मैंने आपको इसलिए रिपीट किया है कि कोई पता नहीं इसका ये भी ऑफ दी सुक्रोज अकर्स इन शुगर केन। सुक्रोज कहाँ पे होता है, शुगर केन में होता है, शुगर बीट में होता है। शुगर केन तो आपको पता है गन्ने को कहते हैं ना, शुगर बीट आप जो वो चिकंदर हो गया होती है उसको कहते हैं रेड कलर, पाइन एप्पल भी होता है, एप्रीकॉट हो गया, मैंगो, एलमंड, बादाम, कॉफ़ी एंड हनी, उनके अंदर ये सुक्रोज पाया जाता है। जो लैक्टोज है मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, अक्सर इन द मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के जो दूध होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है जिसको लैक्टोज का नाम देते हैं। आपने कभी सुना होगा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम दूध नहीं वो दही पीते हैं, वो कहते हैं दूध हम पिए तो उल्टी आ जाती है, दूध हम नहीं पी सकते। तो असल में उसकी वजह क्या होती है कि दूध के अंदर होता है लैक्टोज, अब वो जो बॉडी है ना उसके अंदर उनकी जो स्टमक है वहाँ पे लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं है, लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं है। अब वो लैक्टेज ना होने की वजह से वो फिर अगर दूध पिए भी तो वो दूध की शुगर को तो अब्सॉर्ब नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए वो फिर
उनका जो है ना वो तबीयत खराब होने शुरू हो गया। तो वो फिर क्या करते हैं, दही पीते हैं। दूध से दही बनने का जो अमल है ना उसमें ये लैक्टोज गायब हो जाता है, मतलब ये मोनोसैकेराइड्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसकी अकरस खत्म हो जाती है तो फिर वो लोग जो उनको दूध पीने में प्रॉब्लम आती है वो फिर दही पीते हैं, वो पीते पी सकते आराम से पी ले। ठीक हो, इट डज नॉट अकर इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है कि लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं और ये एनिमल्स के मिल्क में पाया जाता है सारे एनिमल्स के, और ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद तीसरी एग्जांपल उसने दी थी, ये तो क्या डाइसैकेराइड्स की हमने बात की। अब नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड्स, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड क्या है, तो आपने ऊपर ये जनरल जैसे लिखा वो बता दिया। एग्जाम्पल में डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल भी दे दी और ट्राइसैकेराइड की एग्जाम्पल भी दे दी जो अभी नीचे आ जाएगी। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो सिर्फ डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं तो फिर डाइसैकेराइड बता के उसकी एग्जाम्पल भी सुक्रोज बता देंगे, ये लैक्टोज माल्टोज की बता देंगे। स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, अगर कहे तो ड्रा करें वरना ना करें। ठीक हो, सिर्फ नाम लिखने काफी है शॉर्ट क्वेश्चन के, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल। आगे एमसीक्यू में आपको बताया कि जैसे आपने सुक्रोज का याद रखना है तो पीछे ऊपर था कि टेबल शुगर होता है, और ये इसी तरह आप ये लैक्टोज का कि ये मिल्क शुगर होता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास कि ट्राइसैकेराइड जो है वो क्या होते हैं, तो हम कहते हैं ये तीन मोनोसैकेराइड आपस में मिल के ट्राइसैकेराइड बनाते हैं, और ये जब हाइड्रोलाइज हो गए तो फिर तीन मोनोमर भी ये प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोलिसिस के ऊपर, और इनका फार्मूला ये होता है C18H32O16, और इसकी एग्जांपल है जैसे रेफिनोस। देखो द मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज बताए, तो हम कहते हैं कि ये साइन सॉलिड्स होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट टू टेस्ट होते हैं, मीठे हैं, पानी में भी सॉल्युबल है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज शुगर्स, इन सारों को हम शुगर्स का नाम देते हैं, तो मीठे होते हैं इस तरह। कलर होगा ये तीन आपके शॉर्ट कैसे प्रॉपर्टीज क्या। उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीसैकेराइड्स। द पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास व्हिच यील्ड मेनी मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। के पॉलीसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाई मॉलिक्यूलर मास जिसके बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और क्योंकि वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है इसलिए जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस के वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस भी करते हैं। एग्जाम्पल इसकी जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन आएगा अभी आपकी। अच्छा, स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों क्या है जी, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C6H10O5 और N, क्योंकि ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर है ना, ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू हो गया जी फार्मूले का आपका। फिर पॉलीसैकेराइड्स की जनरल प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है कि ये सारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, टेस्टलेस होते हैं एंड आर कॉल्ड नॉन शुगर। ये सारे के सारे पानी में इनसॉल्युबल वाटर पानी में हल नहीं होते, टेस्टलेस हैं उसके मुकाबले में जो आपके ऑलिगोसैकेराइड थे उसका आपने देखा था कि वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, ये अमॉर्फस सॉलिड है, वो सारे पानी में सॉल्युबल थे, ये इनसॉल्युबल है, वो स्वीट टू टेस्ट है, ये टेस्टलेस थे, उनको शुगर्स कहते हैं, ये नॉन शुगर थे। तो पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस है, तो दोनों की ये प्रॉपर्टीज हम पैरेलल लिख के शॉर्ट क्वेश्चन। पॉलीसैकेराइड्स परफॉर्म टू प्रिंसिपल फंक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनका फंक्शन क्या है पॉलीसैकेराइड्स में, नंबर वन दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, एनर्जी को स्टोर करने के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं, एंड फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल, और सेल्स के स्ट्रक्चर का भी हिस्सा होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बनाने में इस्तेमाल। दो काम, एक एनर्जी स्टोरेज और दूसरा
स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के तौर पे, एमसीक्यू भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद है प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर जो ग्लूकोज को जब स्टोर करते हैं तो स्टार्च की शक्ल में करते हैं, और एनिमल्स जब ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो वो ग्लाइकोजन शक्ल में, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर नोन एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर होता कहाँ है, इन लीवर एंड मसल, लीवर और मसल में होता है, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया होगा, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल, एमसीक्यू में आपने याद रखते। और प्लांट्स की, प्लांट की जो स्टोरेज है वो स्टार्च, और जो एनिमल्स है उनकी जो स्टोरेज ग्लूकोज के वो ग्लाइकोजन की शक्ल में, ग्लाइकोजन को ना एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट का तो स्टार्च हो गया, तो एनिमल का जो स्टार्च है वो चूंकि ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो फिर एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, जो फंक्शन स्टार्च का होता है वही ये कर रहा होता है, लेकिन स्टोरेज इसकी आम जो स्टार्च जैसे प्लांट्स के अंदर होता है वैसे नहीं होती, फिर आटे के नाम उसका डिफरेंट है। अब इसमें पहली आपके पास आती है स्टार्च की, स्टार्च जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है इन ह्यूमन डाइट, इंसानों की खुराक में कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा जो सोर्स है ना वो स्टार्च है। द चीफ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर वीट, गंदम जो आप खाते हैं उसमें, राइस चावल आप खाते हैं, मेज मकई हो गया, पोटैटोज आलू हो गया, बार्ले, बार्ले तो बेस तो है ना मकई, इनको बार्ले आ गया, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपका जो है ना वो देख सकते हैं, तो इसमें आपके जो है ना वो पाए जाते हैं। लेकिन किसका पॉलीमर है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का, लेकिन जो सेलुलोज है ना वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो ये अभी हमारे पास जो है ना वो बनता है पॉलीमर, इसका वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज का। हाँ जी, बार्ले में देखा जी, बार्ले जौ को कहते हैं, जौ की रोटी वगैरह जैसे खाते हैं, मेज तो मकई होता है ना, पोटैटो दाल और बार्ले जौ को कहते हैं। अच्छा, इन सारों में भी आपके पास ये मौजूद होता है, स्टार्च मौजूद होता है, और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये हम सीखते हैं याद रखें। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका हो सकता है, सूच क्वेश्चन स्टार्च का, तो उस पर हमने ये मेन मेरे पॉइंट लिखने, क्या मतलब, पहला आप बता देंगे स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, फिर बता देंगे किस में पाया जाता है, फिर बताएंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, फिर बताएंगे ये प्योर कंपाउंड नहीं होता। इसमें आगे दो, आगे इसके दो हिस्से है ना, दो पॉलीसेकेराइड इसमें मौजूद होते हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है। देखो अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर, एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना आपने, और गिव्स अ डीप ब्लू कलर विद आयोडीन, अमाइलोज जो है वो पानी में हल भी होता है और ये डीप ब्लू कलर भी देता है आयोडीन के साथ, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है और वो कोई कलर भी नहीं देता। जो नेचुरल स्टार्च होती है उसमें 10-20% तक अमाइलोज होता है और 80-90% तक अमाइलो पेक्टिन होती है, ये एमसीक्यू सारे आपके पास आ रहे हैं। इट इज यूज्ड इन कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर टू इंप्रूव द राइटिंग क्वालिटीज, तो ये कोटिंग और साइजिंग ऑफ पेपर में इस्तेमाल होता है ताकि राइटिंग क्वालिटी जरा अच्छी हो जाए, पेपर की सरफेस जरा अच्छी हो जाए। इट इज आल्सो यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग, कपड़े वगैरह धोने में, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड एथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज और एथाइल अल्कोहल
उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये लॉन्ड्रिंग में कपड़े जो होते हैं ना उत्पन्न, उसमें सर्फ के तौर पे नहीं, तो जैसे नहीं आप कपड़ों को माया वगैरह लगाते होते हैं, देखा होगा वो माया लगाते तो कपड़े जो है ना वो मेरा हो जाते हैं सर्फ स्टार्च हो जाते, तो वो माया के तौर पे उस स्टार्च में यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है ये जो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज की मैन्युफैक्चर, ग्लूकोज से मिलके बने ना अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी तो फिर आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिल जाएगा, और इथाइल अल्कोहल ये होता है कि जो ग्लूकोज है ना इसको जब यीस्ट वगैरह में रखते हैं ना तो वहाँ हमें इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से। ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे आपका ना वो 11वां चैप्टर आएगा उसके अंदर ये रिएक्शन इसका ये स्टार्च का ना दिया होगा, स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बना और फिर ग्लूकोज से अल्कोहल कैसे बना, ठीक हो। ये उसने स्ट्रक्चर बनाया कि पहला स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनता है और एमसीक्यू भी इसमें एक है कि लिंकेज कौन सी बनी है कि एक तरफ C1 और एक तरफ C1, एक मॉलिक्यूल की पहली कार्बन है दूसरे मॉलिक्यूल की चौथी, पहली कार्बन हम देते हैं ये ऑक्सीजन की जो सात वाली नहीं ये पहली है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी और ये एंड वाली चौथी, और जो CH2O जिसके ऊपर लगा हुआ है वो पांचवी, ठीक है, और ऑक्सीजन खुद वो छठे नंबर पे आ गया, तो ये नहीं आपकी पहली कार्बन एक तरफ से C1 और दूसरी तरफ जो है वो चौथी कार्बन है तो वो C4 हो गया, इसको बोलते हैं 1,4 लिख देते हैं ये C1 C4 लिखते हैं, और अल्फा लिख के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए अल्फा अल्फा 1,4 अल्फा लिख के साथ डैश लगा के 1,4 लिख देते हैं, अल्फा 1,4 यानी अल्फा ग्लूकोज का पहली और चौथी लिंकेज हुई है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो बनी है। एमसीक्यू में बस आपने ये याद रखना है अल्फा 1,4 लिंकेज इसके अंदर है या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज आपके पास आ गया। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, अब अमाइलोज में आप देखें ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट में 1,4 एक ही लिंकेज है और इससे बिल्कुल सीधा पॉलीमर बना हुआ स्ट्रेट चेन बनी, लेकिन जो आपकी ग्लाइको अमाइलोपेक्टिन है उसमें दो तरह की, एक तो ये सीधी नीचे देखें स्ट्रेट चेन के अंदर पॉलीमर यानी 1,4 लिंकेज के साथ वो स्ट्रेट में जुड़े हुए, इधर भी देखें 1,4 लिंकेज के साथ स्ट्रेट में ब्रांचें बनी हुई स्ट्रेट में ये चेन्स बनी हुई, लेकिन ये चेन्स फिर आपस में भी जुड़ी हुई है, जैसे देखें इसकी आप ये जो आपकी छठी पोजिशन बनी ना देखो चौथी ये थी ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 थी, और ऊपर जो CH2O है जो उसको छठा नंबर दे रहे थे वो छठा हो गया, तो छठे नंबर वाली कार्बन इस तरफ से और उस तरफ से पहले नंबर वाली कार्बन 1 और 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन, ये भी अल्फा 1,6 बोलते हैं इसको, तो अब जो अमाइलोपेक्टिन इसमें अल्फा 1,6 की और अल्फा 1,4 भी यानी दो लिंकेजेस आपस में मौजूद है और उनकी वजह से आपके पास ये लॉन्ग चेन बनी, स्टेट चेन ये बनी है, स्टेट चेन ये बनी है, और फिर ये आपस में 1,6 मिल के ब्रांच है, ये ब्रांच बनती जा रही है ना, ब्रांच मॉलिक्यूल बनाते जा रहे हैं, तो ये 1,4 और 1,6 दो लिंकेजेस अमाइलोपेक्टिन में मौजूद होते हैं, तो एमसीक्यू एक ये हो गया अमाइलोज जो है वो स्टेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच की शक्ल में, नंबर 1 नंबर 2 इसमें जो आपका अमाइलोज है उसमें सिर्फ एक 1,4 लिंकेज है अल्फा 1,4 है, और जो माइलोपेक्टिन उसमें अल्फा 1,4 भी है और अल्फा 1,6 भी, दो तरह की लगी, और दूसरा ऊपर आपने पढ़ा था कि माइलोज जो स्टेट चेन वाला ये पानी में हल हो जाता है ये ब्रांच वाला नहीं होता, फिर आगे पढ़ा कि ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर भी देता है और ये जो है 1,6 वाला नहीं देता, उसकी वजह यह कि ये वाला जो ये ऐसी स्टेट चेन की शक्ल में होती है, लेकिन ये जो आपका माइलोज होता है ना इसमें जो ये स्टेट आपको नजर आना तो ये स्प्रिंग की शक्ल में होते हैं, स्प्रिंग की शक्ल में ऐसे कॉयल हो जाते हैं, स्प्रिंग नहीं जैसे घूमा हुआ होता उस तरह ही नहीं, ये जो स्टेट है ना बिल्कुल सीधी चेन नहीं बनती, इस तरह घूम के चेन ना स्प्रिंग की शक्ल में बना लेते हैं, वो स्प्रिंग की शक्ल जब बन गई तो दरमियान में तो खाली जगह आ गई तो आयोडीन के मालिकुल वहाँ खाली जगह में जाके फिट होते हैं तो उनका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाता है, तो किसके साथ यानी स्टार्च के अंदर मौजूद अमाइलोज के
जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाके वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ब्लू कलर आ जाते हैं। अगर आपको याद हो, मैं आपको मिसाल दूँ, फर्स्ट ईयर में ना आपने टाइट्रेशन जब की थी तो उसमें टाइट्रेशन में आपने ना आप तीन टाइट्रेशन, एक तो एसिड बेस थी, एक आपने की उसमें रेडॉक्स वाली टेमोनोफोर वाली, और तीसरी आपने की थी सोडियम थायोसल्फेट वाली। अब सोडियम थायोसल्फेट में आपको याद होगा हम स्टार्च इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, तो स्टार्च इंडिकेटर जब हुआ उसमें आयोडीन गलती थी ना, तो वो पहले का जो कलर होता था आपका ब्लू हो जाता था। आयोडीन के सोल्यूशन में जब आप स्टार्च ऐड करते थे तो उसका कलर ब्लू हो जाता था, फिर जब ऊपर से सोडियम थायोसल्फेट ड्रॉप वाइज डालते रहते थे तो आयोडीन नीचे से रिएक्शन करती रहती थी, जब सारी आयोडीन खत्म होती थी तो स्टार्च फिर बिल्कुल कलरलेस या वाइट होता था, बिल्कुल दूध की तरह वो हो जाता था। यानी वो आपका जो ब्लू कलर आ रहा था वो वहाँ पे जो आयोडीन और स्टार्च इन दोनों के आपस में और इंटरेक्शन, और स्टार्च में भी इसका कौन सा हिस्सा इंटरेक्ट करता है, अमाइलोज इंटरेक्ट करता है, इसकी वजह से हमारे पास वो ब्लू कलर आ रहा होता। तो एमसीक्यूज में इसमें ये काफ़ी सारे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ये स्ट्रक्चर इसके पास पेपर में आया हुआ है, सुक्रोज का भी है, तो ये आपने तो प्रैक्टिस जरूर करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद है सेलुलोज जो है ना, नो डाउट ये थोड़ा मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी कभार आए हुए, आने वाले नहीं है लेकिन आए जरूर। सेकेंड हमारे पास पहला स्टार्च था, दूसरा आप सेलुलोज, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है वो सेलुलोज है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये प्लांट्स का सारा जो स्ट्रक्चर का मटीरियल है वो इसी से बना हुआ है। और अबंडेंट इसलिए कि काफी सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं सारों में सम 100 बिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं हर साल 100 बिलियन टन सेलुलोज प्रोड्यूस कर, जैसे काटन जो है वो 99% काटन जो रुई होती है वो 99% सेलुलोज है, एंड द वुडी पार्ट ऑफ ट्रीज और दरख्तों का जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो 50% से ज़्यादा सेलुलोज उसमें होता है। ये एमसीक्यू में याद रखना आपने, इट इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये भी एमसीक्यू आ गया। और इट इज प्रेजेंट मेनली इन द प्लांट किंगडम बट आल्सो अकर्स इन सम मराइन एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट में भी और मराइन एनिमल्स में भी पाया जाता है, ये भी एमसीक्यू आ गया। इट इज एन अनब्रांच पॉलीमर, ये भी अनब्रांच है, स्टेट चेंज भी होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर अप टू 2500 ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज जॉइंट ईच अदर थ्रू 1,4 यानी बीटा 1,4 लिंकेज से, बीटा इसने कहा बीटा डी ग्लूकोज इस्तेमाल है इसलिए बीटा 1,4, तो बीटा 1,4 लिंकेज से तकरीबन 2500 तक मालिकूल आपस में जुड़ के चेन बना रहे होते हैं। क्लियर हो गए। तीसरा लास्ट में जी ग्लाइकोजन आ गया आपको, ग्लाइकोजन के हम कहते हैं कि जो आपके पास होते हैं जो अभी पीछे हमने बात की, हम दोबारा लिख रहे हैं, अकर्स मेनली लिवर एंड मसल्स, एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है। द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इन द सेम वे एज स्टार्च फंक्शन इन प्लांट सेल, स्टार्च प्लांट्स के अंदर वर्क कर रही होती है, उसी तरह ये ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स के अंदर वर्क कर रहा होता है, इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च भी इसको बोलते हैं, एमसीक्यू में याद रखना। ठीक हो गए। इन स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल्स विद दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें 1,4 लिंकेज भी है 1,6 भी है, उसमें भी यही था 1,4 1,6 था, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ तक सेम है, लेकिन ह्यूमन ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल देन अमाइलोपेक्टिन। तो ह्यूमन का जो है ना वो ग्लाइकोजन जो होता है वो ज़्यादा ब्रांचेस में मौजूद है अमाइलोपेक्टिन की निस्बत से, हमने ये अमाइलोपेक्टिन इसमें भी ब्रांचें हैं लेकिन इसकी ब्रांचें उसकी निस्बत से ज़्यादा कम है। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो ब्रांचें एक ब्रांच यहाँ से अटैच है अटैच है तो ब्रांच तो अगली ब्रांच को होगी 25-30 यानी मालिकूल जुड़े हों उसके बाद फिर अगली ब्रांच बनी हुई होगी, यानी इतनी ये दूर दूर ब्रांचें बनती हैं कम ब्रांच होगी, लेकिन ये जो है आपका ग्लाइकोजन है इसमें एक ब्रांच बनी हो साथ ही दूसरी तीसरी
यानी दो तीन मालिक्यूल छोड़ के, चार मालिक्यूल छोड़ के फिर ब्रांच है, फिर दो चार छोड़ के फिर ब्रांच है, यानी इसमें ब्रांचे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो और इसकी भी जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो ये हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक हमारे ये सैकेराइड्स खत्म हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चीनी के क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरी इसमें हमारे पास ये है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट, और इन दोनों में बारे में, बोथ आर सॉल्वेंट वाटर, दोनों पानी में हल होते हैं कि भी ठीक होते हैं, बोथ आर नेचुरल अकरिंग नेचर में पाए जाते हैं ठीक है, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं ये भी ठीक है, बोथ आर डाइसैकेराइड ये गलत है क्योंकि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है सिंगल सिंपल होता है, और सुक्रोज जो होता है ये डाइसैकेराइड है कि इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, दो के मिलने से बना इसलिए वो डाइसैकेराइड है। ये ऑप्शन हमारी डी वाली यहाँ बनेगी, ये दोनों के बारे में सही नहीं। तो ये जितने एमसीक्यू मैंने आपको बताया मोस्टली मैं यहाँ पे ना लिख दी हूँ मैं, ताकि ना आप जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाए तो सारे में कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप क्लासिफिकेशन ग्लूकोज की अकरेंस मोनोसैकेराइड्स के एक्सप्लेन विद एग्जांपल ठीक है, फिर उसके बाद है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं यूज करके वो बता देंगे आकर, फिर ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ आपको पता नहीं ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है ना, स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट, तो फिर हम नाम देते हैं आइसोमर्स हम शायद पढ़ा होगा आइसोमरिज्म मैट्रिक्स में भी, जिसमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है C6H12O6 लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है इसलिए आपके बन जाते हैं आइसोमर्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन एंड साइक्लिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आ गए, डाइसैकेराइड्स जो ओलिगोसैकेराइड्स के हैं एग्जांपल दे दें ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है और इंपॉर्टेंट है पास पेपर के वाले से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज में क्या फ़र्क है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो वाली होगी दो के दरमियान पर ही है ना, तो पेप्टाइड लिंकेज जो होती है ये प्रोटीन्स के अंदर होती है, तो उसको हम केमिस्ट्री की जबान में उसको हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज इज आल्सो कॉल्ड अमाइड लिंकेज एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन प्रोटीन, और ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये पाई जाती है ठीक हो गई। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन तो सिर्फ यही है जी सवाल लेते हैं, बाकी ये व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्सप्लेन मोनो एंड डाइसैकेराइड विद एग्जांपल, ये भी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से हो गए ना मोनो और डाइसैकेराइड को एक्सप्लेन करें, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से अलग अलग पूछे जा सकते हैं डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड क्या है, इस तरह यहाँ पे आया मोनोसैकेराइड का आया कि मोनोसैकेराइड क्या है उसके एग्जाम्पल दे, उसके बाद है पॉलीसैकेराइड ना, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर भी एमसीक्यूज दिए हैं, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा बनता है ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में क्या फर्क है शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आपका पॉलीसैकेराइड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये भी अच्छा सवाल बनता है, पर इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ, इम्पोर्टेंट सिर्फ इसी पे लिखा हुआ है दोनों के डिफरेंस वाले, फिर बाकी तो बनाए हुए हैं शॉर्ट स्ट्रक्चर फार्मूलाई ऑफ माइलोज और माइलोफैक्टर और सेलुलोज बता रहे हैं, ये आपके ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है सवाल है। उसके बाद है स्टार्च क्या है,
अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा है, जरूर करें। पॉइंट आउट द डिफरेंस, वन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ग्लूकोज, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बताएं। ग्लूकोज अल्डोजिस, इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज है वो कीटोसिस से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। सुक्रोज और माल्टोज, सुक्रोज डाइसेक्राइड है अल्फा टू डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जबकि माल्टोज जो डाइसेक्राइड है वो सिर्फ अल्फा ग्लूकोज दो। इसी तरह सेलुलोज और स्टार्च में, सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स को एग्जांपल के साथ लिखें, तो ये भी एक्सरसाइज में सवाल आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेक्राइड जो इनके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ गए, और स्टार्च को यहाँ उसमें दोबारा चैप्टर वगैरह बना के उसको लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, बढ़ा दूंगा, थोड़ा लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पॉइंट जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाता है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो प्रोटीन जो है वो आएंगे, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।